नमस्कार दोस्तों आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं थोड़े टाइम के बाद 12 इंच में नियोडियम का जो है 500 सौ वाट स्पीकर बनाने वाले हैं तो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं 12 इंच का 500 सौ वाट बना के लेकिन आज कुछ स्पेशल है क्या होगा कि ये जो ऑर्डर है 16 पीस 16 पीस का ऑर्डर है मिस्टर विक्की जी भीलवाड़ा उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और उनके 16 पीस रेडी होंगे तो ये एज ए रेफरेंस में उनका वीडियो रहेगा कि आपके स्पीकर में क्या मटेरियल लगाया है क्या क्वालिटी का लगाया है तो कृपा करके वीडियो में बने रहें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको फाइनली स्पीकर बनाने के लिए एक बीएनसी का इस टाइप का बास्केट लगेगा 12 इंच का हाई क्वालिटी का इसके साथ साथ आपको एक हाई क्वालिटी का पेपर लगेगा ट्वेल्व इंच में इसके साथ साथ आपको एक जिक्स लगने वाला है ये कंपलसरी नहीं होता है ऑप्शनल होता है अगर आपके पास इससे अच्छा और कोई रास्ता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपको एक बढ़िया सी क्वालिटी की वो इसको ही लगने वाली है ये सी सी ए डब्ल्यू वायर में होती है आउट ऑफ इंडिया की आप इसकी चेपी देख रहे हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होती है इसके साथ साथ आपको एक कुछ इस टाइप का कनेक्शन टर्मिनल लगने वाला है ठीक है आप क्या करो अच्छी अच्छी क्वालिटी का ये हमारे पास बढ़िया क्वालिटी का कनेक्शन वायर होता है आप इसको क्या करें कि काट के इसमें सोल्डिंग कर ले बाजार में एक और रेड ब्लैक वायर होता है हम उसको यूज क्यों नहीं करते हैं पता है उसका जो स्लीव होता है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर काम करता है जैसे सपोज करो कभी विंटर है तो विंटर में वो हार्ड हो जाता है तो उस समय क्या होता है कनेक्शन टूटने के चांसेस होते हैं बट जबकि ये जो नॉर्मल है वायर विदाउट स्लीव ये क्या है टूटेगा नहीं क्योंकि टू मच फेक्जीबल ये आप देखो दिन भर आप इसको ऐसे करें बढ़िया क्वालिटी का ये फेक्जीबल है टूटेगा नहीं इसलिए हम इसको आज बगर बगल्यू के यूज कर रहे हैं ओके okay. तो मेरे हिसाब से विंटर एंड रेनी टाइम मोस्ट टाइम जो होता है वो ठंडा होता है इसलिए वो क्या होता है हार्ड हो जाता है स्ली वाला और कुछ एक टाइम होता है जो कि गर्मी वाला होता है ठीक है अब इसके बाद आपको कुछ इस टाइप की इम्पोर्टेंट केप लगने वाली है तो बहुत सारे भाई मित्र थोड़े से कंफ्यूज है मेरा थोड़ा सा का शॉर्टकट होता है बोलने का कि इम्पोर्टेड एंड इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेड तो है ही सही है आउट ऑफ इंडिया का साथ साथ ही इम्पोर्टेंट भी इसके बला अलावा अगर ये नहीं लगाते तो काम नहीं होगा तो इसलिए आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है तो कृपा करके आप शब्दों पर ना जाए आप प्रोसेस पे ध्यान दें कि क्या हो रहा है फिर एक आपको एक मैग्नेट लगेगा बढ़िया सी क्वालिटी का ठीक है और इस टाइप का स्पाइडर लगेगा आपको आप जिसके साथ जाना चाहें जिस कंपनी का हो आपके पास लगा लो हमारे पास ये क्या है आउट ऑफ इंडिया का है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी ठीक है इसके साथ साथ आपको ये गैस किट लगने वाला है रबड़ का तो इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है हमारे पास क्या है बल्क में काम होता है तो ये इनकी क्वांटिटी भी क्या है बल्क में ही होती है ठीक है अब आगे का क्या है इसको असेंबल करना होता है कैसे करना होता है आपको बास्केट और मैग्नेट दोनों को फिट करना होता है तो ये ऐसे स्क्रू की सहायता से कर लीजिए तो हमें क्या है कि मैं जैसा बता चुका हूं आपको आज हमारे पास विक्की भाई भीलवाड़ा विक्की डीजे का एक बड़ा ऑर्डर है सिक्सटीन पीस का तो वो रेडी करके देने हैं तो हमारे पास क्या थोड़ा समय की प्रॉब्लम के कारण हमने क्या है बहुत सारा काम पहले ही कर दिया है तो ये मैं जो आपको दिखा देता हूं जो फिट कर दिया हमने ऑलरेडी वो मैं आपको लाके दिखा देता हूं आप भी क्या करें कुछ इस तरह से इसको फिट कर लें देख रहे हैं आप ये टर्मिनल कनेक्शन टर्मिनल जो होता है वो यहां पर ऐसे फिट होता है और ये देख रहे हैं आप बास्केट तीन स्क्रू की सहायता से आपको यहां पर कुछ सॉल्यूशन भी दिखेगा अंदर चमचमाता हुआ तो वहां पे क्या इंपोर्टेंट क्वालिटी का सॉल्यूशन लगा लें जिससे कि ये बास्केट और चेचिस में स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए और आपके पास अगर कोई एक्चुअल एक इस टाइप का कोई वो हो थर्माकोल तो आप इसको रख ले नीचे स्क्रेचेस नहीं लगेंगे और काम करने में आसानी होगी ठीक है तो अभी क्या होगा ये कॉइल लगेगी इसमें क्या है जिक्स फिट होगा और फिर एक स्पाइडर लगेगा तो ये प्रोसेस हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर है और काम भी करना है और वीडियो भी बनाना था क्योंकि ये कंपलसरी है क्योंकि विक्की भाई डीजे जो है उनको ये वीडियो हमें देना है एज ए रेफरेंस की हमने आपके स्पीकर में क्या मटेरियल यूज किया है ओके तो आप वीडियो में बने रहें कुछ इस तरीके से ये फिट होगा जिक्स वॉइस कॉइल के अंदर एक स्पाइडर लगेगा और इस पे ग्लू लगेगा ये हमारे पास काम पहले से हो चुका है आपके पास यहां पर जो भी रास्ता हो शॉर्टकट पे ग्लू लगाने का हमारे पास तो वैसे मशीन से लगता है आपके पास जो भी शॉर्टकट हो आप कृपा करके उसका इस्तेमाल करिए और ये सोल्यूशन लगा लीजिए इसमें और फिर आपको क्या है इसकी प्रॉपर सेटिंग हमने पहले ही कर दी है जस्ट आपको इसे रख देना है ये फिट हो गया अब इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि सोल्यूशन भी हमने अच्छा वाला लगाया है सारे वीडियो में हम बता चुके हैं फिर भी एक बार आप चाहो तो हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से होता है ये है बोन टाइट का सुपर स्ट्रेंथ इसकी क्या क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है ओके अप्रोक्सीमेटली पांच से सात घंटे कभी कभी आठ घंटे भी हो जाता है प्रॉपर सेटिंग में लेकिन सेट होने के बाद यह क्या होता है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है अल्टीमेट क्वालिटी आ जाती है इसमें यह मान के चलो कि हीट प्रूफ हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसा ही काम चाहिए होता है कि जो हीट प्रूफ रहे लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहे तो हम इसके साथ जाते हैं ठीक है अगर आपको जल्दी करना हो तो इस टाइप का एक डेंड्राइट कंपनी का एमपोक्सी होता है क्यू एंड क्लियर ये अप्रोक्सीमेटली पांच से दस मिनट में ही सेट हो जाता है प्लस फुल स्ट्रेंथ इसकी जो होती दो से ढाई घंटे में आ जाती है तो अगर आपको कोई जल्दीबाजी का काम हो तो कृपा करके आप इसके साथ जाएं हम इसका यूज नहीं करते हैं ठीक है ये इतना प्रोसेस हो चुका है अब आप इसमें आपको एक विशेष ध्यान देने वाली बात होती है ये जो दिख रहे कनेक्शन वायर ये आपको क्या करना है आपके टर्मिनल जो है कनेक्शन टर्मिनल इसके ठीक सामने छोड़ना है अदरवाइज जब आपको कनेक्शन करना है बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है तो ये होने के बाद अब क्या होगा कि जस्ट पेपर इस पर पे फिट किया जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा हम क्या करते हैं पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं जिस जो भी भाई मित्र अगर हमारे वीडियो पे या चैनल पे नए आए हैं तो वो कृपा करके हमारे पिछले वीडियो देख लें उसमें हमने पूरा फुली प्रोसेस बताया है क्योंकि आज इसमें इस वीडियो में क्या थोड़ा हमारे पास समय की प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये देखिए अभी क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी में सोल्यूशन लगा लिया जो आपको दिख रहा ना कुछ साइनिंग के साथ वो प्लस ये यहाँ स्पाइडर और वॉइस कोयल को फिक्स करने के लिए भी लगा दिया वो हमारे पास क्या होता है मशीन से लगता है इसके लिए क्या डिफरेंट जॉब है यहाँ से उठा के ले जाना होता है ठीक है तो आपको यहाँ पर कुछ भी सोच विचार नहीं करना है किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना है आपको जस्ट आपका शॉर्टकट निकालना है कि आप आपके काम को कितनी जल्दी तरीके से कर सकते हैं कैसे लगा सकते हैं तो आपको तरीका ढूंढना है ना कि आपको यहाँ पर कमेंट करना है अभी ये पेपर पे भी हमने बढ़िया सी क्वालिटी में लगा लिया है देख रहे हैं आप कॉलर पे तो ये सब जगह आप ऐसे व्यवस्थित लगा लें और जस्ट आपको क्या करना होता है इसको जस्ट पेस्ट करना होता है ठीक है तो ये ये प्रक्रिया हम क्या है आपके सामने करके दिखा देते हैं आपको इसमें एक्स्ट्रा और कोई छड़ा-छड़ी नहीं करनी होती है ये जस्ट रख दिया है तो जितना इजी आप देख रहे हैं और जितना इजी देखने में लग रहा है उतना इजी भी नहीं है ये सारी चीजें क्या होता है प्री प्लांट होती है पहले से ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है कि प्रॉपर पेपर सही है बास्केट सही है स्पाइडर सही है जिक्स सही है ये सारी चीजें प्री प्लांट होती है वीडियो में जस्ट आपको दिखा रहा है तो आप इतना ईजी भी ना समझे कि जितना ईजी ये तरीके से रख दिया और हो गया ऐसा नहीं होता ये सब कुछ हम क्या है पहले से ही तैयारी करते हैं कि ये क्या क्या होना है और किस क्वालिटी में होना है ठीक है फिर भी आपको कुछ लगता है तो थोड़ा सा पेपर को के सेंटर करने की आवश्यकता होती है हम कर लेते हैं ठीक है थीके? ये अभी प्रॉपर क्वालिटी में फिट हो चुका है अब मैंने आपको एक पार्ट दिखाया था ये रबड़ वाला जिसको गैस किट रबड़ बोलते हैं ये अभी क्या होगा इसमें फिट होगा तो कृपा करके वीडियो में बने रहें ठीक है ये हम आपको पेस्ट करके दिखाते हैं आप क्या करिए कि ये सॉल्यूशन होता है हम आप सभी मित्र जानते हैं हमारे पिछले वीडियो में कि ये कौन सा सॉल्यूशन है डेवराइट का सुपर एक्सल जो कि पांच छह लीटर में आता डब्बा हम उसमें से इसमें निकाल लेते हैं आवश्यकता के अनुसार तो आप क्या करो इस तरीके से इसको इधर यहां पर लगा लो ठीक है और ये जो होता ना रिंग इस पे भी इस साइड से अच्छे से अप्लाई कर दो ठीक है इस कुछ इस तरीके से ये होने के बाद आपको क्या करना है जस्ट इसको जहां पे आपने सॉल्यूशन लगाया वहां पर होल मैच करके पेस्ट करना है ठीक है अगर आप होल मैच नहीं करते हैं तो फिर जब आप इस स्पीकर को कंप्लीट फिट करने जाएंगे ना उस समय आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि स्क्रू के लिए जगह तो होगी नहीं कहां पर लगाएंगे स्क्रू ठीक है इसलिए ये सावधानी है आपको पहले से रखनी होती है पहले से ही होल मैच करके लगाएं ठीक है तो ये कुछ इस तरह से लग गई है अब क्या होता है कि रिंग का थोड़ा सा हल्का सा छोटा है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए ये एडजस्ट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास उसको निकालने के लिए भी कुछ साधन है वो हम करके आपको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो ये भाई साहब हो चुका है ठीक है सब कुछ बढ़िया सी जो प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए वो हो चुका है आप यहां देखेंगे पेपर और जिक्स के कोने में लास्ट मोमेंट में कुछ चमचमा रहा है हल्का हल्का वो सोल्यूशन होता है वो ना इधर कुछ गिरता है ना कहीं और गिरता है हमारे पास उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं आप भी आपका रास्ता निकालिए ठीक है वहां पे लगाने के लिए आपको हाँ एक सबसे जरूरी बात है ये जो होता है ना जिक्स यूज करने का वो इसको फिट करने का ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है कृपा करके इसके बारे में डिस्कस ना करें ये नॉट फॉर सेल है ओके okay, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है अब क्या होगा दोस्तों कि हम आपको बता चुके हैं ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो स्लो वाला है तो अप्रोक्सीमेटली छ से आठ घंटे सेट होने में लेता है तो अब क्या होगा कि हमें छ से आठ घंटे वेट करना है इसको सेट होने के लिए उस बीच हम क्या करेंगे इसके कनेक्शन भी कर देंगे ठीक है और जिक्स निकलेगा और केप लगेगी तो ये काम भी अगर पॉसिबल रहा तो हम कर देंगे उसके बाद आपको हम एक साथ सोलह पीस दिखाएंगे बकायदा टेस्टिंग के साथ ओके चेक करा के टेस्ट करा के आप आपकी तब जाके अब आपकी राय और कमेंट कृपा करके देना कि क्या रहा साउंड क्या, क्या रही क्वालिटी ओके तो आपको बस इंतजार करना है और अगेन थैंक्स टू मिस्टर विक्की डीजे भीलवाड़ा जिन्होंने हमें 16 पीस का ऑर्डर करा कृपा करके आगे भी हमें आप ऐसे ही ऑर्डर करते रहे ओके okay? हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देने का ट्राई करेंगे दोस्तों तो ये जो सिक्सटीन पीस है ये रेडी हो चुके हैं आप काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ओके तो अभी हम क्या करेंगे इसमें से रैंडमली कोई भी पीस उठा लेंगे और उसको क्या है आपको स्मॉल एम्पलीफायर और जो होता ना अपना फ्रिक्वेंसी जनरेटर उन दोनों पे टेस्ट करके दिखाएंगे ओके okay? तो वीडियो में बने रहें अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से फर्स्ट वाला ही चलो एक एक उठा लेते हैं ओके इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं तो मैं क्या करता हूँ मेरा सेटअप लगा लेता हूं ओके फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों हमने ये क्या हमारा सेटअप लगा लिया है आप यहां से कुछ देखेंगे तो ये सारे स्पीकर लाइन से रखे और हमने इसको क्या करा है कि स्टूल पर लगा लिया है ठीक है तो स्टूल पर लगा लिया है अब क्या करते हैं अपन इसको एम्पलीफायर पे टेस्ट कराते हैं क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी टेस्टर पे आपको टेस्ट करके दिखाते इस पे क्या होता है इसका जो पीक पावर होता है ना स्पीकर का वो टेस्ट हो जाता है के वीडियो में बस इतना ही और अभी क्या हो रहा है समय हो रहा है रात के नौ बजे का ओके तो इस समय हम क्या है कि रेसिडेंसियल एरिया में रहते हैं जहां पे बार बार बहुत लाउड में स्पीकर चला नहीं सकते क्योंकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा एक शॉर्टकट होता है फ्रिक्वेंसी जनरेटर का जिससे स्पीकर का पीक पावर भी पता हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है ठीक है और नाउ लास्ट थैंक्स टू तो मिस्टर विक्की डीजे भीलवाड़ा राजस्थान जिनने हमें सोलह पीस का ऑर्डर करा है आप हमें भविष्य में ऐसे ही आगे ऑर्डर करते रहें आज के वीडियो में बस इतना ही